सत्संग, इससे पहले हमने कई सत्संग रिकॉर्ड कर लिए। ये साधारण सत्संग है, नेचुरल, जैसे आप बैठे में बैठे हों और कोई सहारा नहीं, कोई शब्द का विचार नहीं, क्या कहूँगा क्या नहीं कहूँगा। और आप जो बैठे हैं तो आपके भी कोई तरह की तकलीफ वाली बात नहीं है। तो आप भी वो तो तब देता हूँ जो बैठे हो संगत, अब वो बैठे हो तो उनके रेडिएशन पड़ते थे, वो सब बात बताता हूँ। तो अब भी आपको खासी बात बताऊँगा, तो खासी बताऊँगा, की चीज़ बताऊँगा, की चीज़ क्या है, ये सत्संग है क्या, सत्य क्या है और संग क्या है, छोटा तो ये मायने इसका। तो सत्य आपके अंदर है, वो है, बोले वो, अगर यहाँ पर परमात्मा है अंश रूप में मनुष्य के अंदर है, तो सब काम मनुष्य करता है, परमात्मा का काम वो करता है। अब इसको ज्ञान नहीं है इससे उसको दुख है, और जो ज्ञान से समझ आ जाए तो सुख है, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसको ज्ञान समझ आ जाएगा, वाकई सब कुछ मेरे अंदर है और मेरे जो घटिया विचारों का फल तो दुख है, और अच्छे विचारों का तो विचारों को ठीक बदल देगा। क्या चाहता है वो इच्छा कर लेगा, क्या चाहता है इस लोक में उसकी इच्छा फूटती है। एक कोठी बनाना चाहता तो कोठी का विचार लिख दिया कि कोठी बने, वो तब काबिल बन जाएगा बनाने के, वो वातावरण बन जाएगा और उसके बाद धन का अपना प्रबंध हो जाएगा। तो इसमें दाता दयाल लिखा पार्वती भंडार, वो फलाना भंडार ऊपर रिप्लेस, भंडार का मतलब सूक्ष्म लोकों के अंदर सब कुछ है। तो जैसे ही आप ध्यान से करके सोचोगे वो चीज़ आपकी इधर आ जाएगी, वो चीज़ खंच के इधर आ जाएगी और भंडार से। तो आप अरबपति बनना चाहते हो तो अरबपति बन जाओगे, मतलब जो आपकी इच्छा है वो इच्छा से इच्छा का खेल है। तो आपके विचारों के अंदर बड़ी बड़ी शक्ति है, इसका आपको ज्ञान नहीं, या आपको नहीं मनुष्य मात्र को ज्ञान नहीं है। वो घटिया विचार सोचता है उसको पता ही नहीं है गुस्से से क्या हो रहा है, जो गुस्से से सोचेगा तो घटिया विचार होगी, साधु से नफरत का विचार होगा और वो आपके मन के प्रतिकूल घटना घटे, ये कर्म फल से। और समझ आ जाए तो छोटी सी बात है, आपने विचारों का हमेशा सुंदर रखो, घटिया विचार आएंगे, हमारे संस्कार हैं माँ के बाप के नानी के वगैरह के परिवारों के, भाई काट दो उसको ज्ञान से, कैसे मैं क्यों सोचूँ, ये सोचेगा वो पाएगा, करेगा वो भरेगा। भाई को एक ज्ञान दिया, दो बरस तीन बरस समझाया और वो नहीं मानता, तो आप सोचते हो ये इसका कर्म आप ये नहीं कर, तू तेरा देगा, ये करने के लिए ऐसे आया पूर्व जन्म से लेके आया, क्योंकि आपको सत्संग में ज्ञान हो गया ना कि यहाँ कोई किसी का नहीं है लेने देने का चक्कर। मतलब कहने का ये है कि इधर ज्ञान गुरु है, समझ विवेक बुद्धि ये गुरु है, तो वो आपको किसी जीते जागते अनुभवी महापुरुष से मिलेगा, और वो किसी भी आप ही के अंदर से होगा, वो बाहर से तो कोई आता नहीं, सभी ईश्वरंश हैं। तो कोई तो कुछ करने के लिए आया, कोई कुछ करने के लिए, कोई कुछ करने के लिए मिशन लेके आए हैं और उसी तरह काम करेगा। तो आया इसी काम के लिए है ज्ञान देने के, तो वो ज्ञान देगा, और आप चाहते हो आपके पास ही आ जाएगा। तो मनुष्य के विचार में शक्ति है, जो विचार करता वो हो जाता है, और इसका इसको ज्ञान नहीं। ये जो सत्संग में आपको क्या मिलेगा, समझ मिलेगी, विवेक मिलेगा, अनुभव मिलेगा। और ये कौन देगा, अनुभवी। तो अनुभवी वो कहीं से आ जाए, परमात्मा कहाँ से आ गया ना, अपने अंदर सब के अंदर, और जो ऐसे काम करने के लिए आया वो आपका जाएगा, ज्ञान दे देगा। अगर आपका मन बहुत साफ है और जो अभी आपने जो गुरु बनाया, इष्ट बनाया है, वो शातेरा फेरी वाला आश्रम बनाना चाहता है, पैसे चाहता है, उसका दूसरा है। पूछ तो इसलिए गया कि उसने सोचा आश्रम आश्रम बन गया, बड़ा बन गया, पैसे हो गए। अब आपका मन अगर साफ है तो वो 400% बोल रहे कोई बात नहीं, आप परमात्मा इधर हिस्सा नहीं, वो आपके अंदर ही बोले, वो तो आपको उस जगह ले जाएगा जहाँ तक इसकी समझ है, उस तक तो दोगे और उसके बाद इशारा उधर चले, वो उस आदमी के पास चले, वो आपको रास्ता बता देगा। ये कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको उर्दू में कहते हो अखलोक मखलो, पूर्ण आप, पूर्ण आपके विचारों में शक्ति है, ईश्वर अंश है, और आपको इसका पता नहीं। अपना आप ये तो शेर, आप हम शेर हैं, भेड़ बने हुए डरते, ऐसे ना हो जाए, ऐसे नहीं, जब भैंपड़े हुए तरह तरह के विचार वो प्रकट होते रहते और उनसे खेलते रहते, कर्म बढ़ते रहते। तो घटिया विचार आता काटते, मैं क्यों सोचूँ, सो करेगा सो करेगा। तो कुल मिला की बात ये थी सत्संग की, कि सत्संग से मनुष्य आ जाता है तो उसकी यह दुनिया सुंदर बनी जाती है। वो सदा के लिए अमर होने के लिए नहीं आया, नहीं आते हैं सब। अब सत्संग आते कितने आदमी जो चाहते हैं दोबारा ही नहीं, स्वाद लेना चाहते हैं इधर,
तो उनके लिए मैं ये कहता हूँ, नहीं नहीं तुमको जरूरत नहीं, अभी अब खेलो खूब खूब बड़ा बनो, इच्छा करो, और जब थक जाओ ना तभी रह जाना, थक जाओगे भैया तो कुछ नहीं है दुनिया, तब फिर वो बमरा पूरी बात करना। अब तो आप खेलना चाहते हैं, खिलाड़ी खेलने के लिए आया मैदान में, आते उसको कह दिया यार क्या क्या खेलो, तो रुकेगा नहीं, वो खेलेगा, थक जाएगा ना तब जाएगा। इसी तरह अध्यात्म में वो आएगा जो सब देख लिया, बड़ा आदमी बन गया, ये बन गया, नेता बन गया, मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया, सब उनकी देख लिया उसको, और देखने के बाद में फिर तत्व नहीं लगाए, फिर वो इच्छा करेगा ये। अब समझो अंत समय उसकी इच्छा है, उसको जानो परमात्मा को, जानने वाली बात थी, वो जानो वो जानो, तो वो ऐसी जगह जाएगा जहाँ से उसका काम शुरू हो जाएगा। अगर अंत समय भी ये ख्याल करता है कि पछताता दिल ये चीज़ें, जो सोचेगा ना अभी अंत समय वही इसी जगह धर्म हो जाएगा। तो इस धर्म में नहीं होगा, आगे अब समझ आ गई, अब इच्छा करिए तो क्या होगा, शरीर छोड़ने के बाद आपका वातावरण बढ़ेगा, पर ही बदल चल जाओ। ये जो गुरु पीर बनाते हैं, इस बनाते हैं, यही तो है, आपने परमात्मा बढ़ाया मनुष्य को, अनुभवी है वो ज्ञान देता रहे आपको। और अंत समय जब आपका आया तो अंत समय कुछ नहीं आया, वो आपका वो आ गया, इष्ट आ गया, सकल आएगी, अंत समय रील चलेगी, तरह तरह की चीज़ देख ली आएंगी, वो तो कुछ संस्कार जमे हुए ना इधर, जो इम्प्रेशन सजेशन से यहाँ जमे हुए हैं, सुने हुए, देखे हुए, पढ़े हुए, और वो विचार जो भोगे नहीं जिसका, या तो उसको बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और या उससे नफरत करी, तो कर्म बन जाता, नॉर्मल विचार आता चले जाता, कुछ नहीं। अंत में वो आ जाता है तो उस वक्त क्या होगा कि आप और हम ज़्यादा साफ नहीं लिखा है, हजूर सालग्राम जो लिखे रस में उसने साफ लिखे कि अंत में तुमको सब कुछ होगा, और अंत में तुम्हारा इष्ट वो आ जाएगा, जिस गुरु भी आ जाएगा, सब भी सुना देगा, सब कुछ करेगा, तो उस वक्त तुम लोग फिर जब जाओगे तो दोबारा इस लोक में आओगे, और फिर दूसरा गुरु कोई आएगा, फिर आपको ज्ञान देगा, फिर बाकी कमाई बाद में करना। इसका मतलब यह है कि रास्ता उससे वही होगा। तो तपरा तपका अंत समय क्या होता, तो अंत समय वही आएगा जो हम रखते हैं विचारों में, वो चीज़ जब शून्य में चले जाते हैं विचार बोझ होता वो आएगा, तो इष्ट अगर आ जाता है तो पार होगा, ईश्वर नहीं होगा। अभी वो जब आओगे आओगे तो मनुष्य जूनी माँ होगे, ऐसी माँ होगी जो भजन करती होगी, साधन करती होगी, सब कुछ आपके लिए तैयार भी रहेगा, और बाकी कमाई आपको करने के लिए मौका मिलेगा। समझे कि बात, तो आपके अंदर बड़ी भारी शक्ति है, ये ज्ञान बाहर का गुरु देता है अनुभवी, और ये ज्ञान आपको जच जाता है तो ज्ञान गुरु है। आप समझे कि नहीं, कुछ भी नहीं कर, अंत में वो जो बात याद आ गई उसको कि मेरे तो काम होगा, मैं मुक्त हूँ। तो मुक्त इसे खास खास आदमी के लिए, सब के लिए नहीं है। अब जाते हैं बता देते हैं, बताते हैं कमला कहते ठीक है, कौन इसका साधन करना चाहता है, लोग तो इधर ही रहना चाहते, तो इधर रहना चाहते तो विचार अच्छे करो, अच्छी दुनिया बन जाएगी। जो चाहते हो हाथी चाहते हो हाथी आ जाएगा, घोड़ा चाहते हो घोड़ा आ जाएगा, वाइजाज चाहते हो वाइजाज के कारण जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको, जो चाह जितने चाहो तेरा। तो इस श्लोक में आकर के सबको जरूरी नहीं है कि सब मुक्त हो जाओ। अगर ये बात एक आदमी में कहता हूँ तो सुनी सही बात कर रहा हूँ, मैं भी नाराज नहीं हूँ, क्यों सब इसका अधिकारी नहीं, अधिकारी तो चाह है, इसकी इच्छा ही नहीं, तो उसके लिए खेलने दो, खूब खूब खेलने दो, खेलने के बाद आ जाएगा अपना, ज़्यादा एक दो बार बता दो काम जो है, और फिर वो नहीं है तो उसकी भी उम्मीद करो, ये आता नहीं है, काम नहीं करता, समझ लो कि इसके बस की बात नहीं है, इसका दूसरी तरफ जान है, कोई और चीज़ में और करता है, दोनों काम करता है, तो दो काम नहीं होगा। अगर ये जान ये करना है तो सदा के लिए वो करो, अगर दुनिया में खुशी रहना है तो दुनिया की चीज़ इच्छा करो, ये नहीं कर, वो भी दो गुणा पर सवारी नहीं होती, ये तो लगन है, आपकी लगन काम करती है। तो मैं क्या सत्संग दिए अभी तक, ये सत्संग दिए आपको कि जो कुछ आप चाहते हो जाएगा, आपकी चाह में शक्ति, तो विचारों को ठीक कर लो बस, और कुछ नहीं करना, और इधर इस दुनिया में खेलो खूब, अच्छा अच्छी उम्र रखो, सब कुछ आपका गाड़ी घोड़ा मकान दुकान कोई चीज़ का अभाव नहीं रहा आपकी ज़िंदगी में। और फिर अगर आपको ये वैराग हो जाता है, ये तो दुख का कारण है, बूढ़ा होकर तकलीफ भी होती है, ये भी होती है, इस श्लोक में तो तकलीफ है, तो इस श्लोक में जब तक शरीर है आपका है, आपका मन है, और आप आत्मा आनंद देते हो तो वो भव में है, सब दुख सुख से बचेंगे नहीं, वो अगर आनंद देते हो तो आनंद भी आएगी, समझेंगे नहीं आप। तो इस श्लोक के अंदर जो तीन चीज़ जो है भवसागर में, ये शरीर भवसागर में, इसको रोग भी लगेंगे, सब कुछ होंगे, सब जो कर्म का फल इस पर आएगा, मन जो है बेचैन हो जाएगा, सब कुछ है बेचैनी आ गई, कारण मन बता दिए बेचैनी के पहले आपको,
मुख्य कारण बता दिया और बाकी और से कारण हो सकते हैं। ये नसाब करना भेद बता दिया मना है कि जब आदमी की ज़्यादा शक्ति निकल जाती है, बेचैनी आती है, तो दो पेग ले लेता है या कोई भंग खा लेता है, सुना हो जाता है, खाना खाता है उसकी नींद आ जाती है एक दो घंटा, फिर वो बढ़ा देता उसको और वो अंदर का फिजरा गिर जाता है। तो निषेधी देते कौन है, वो हैं जिन्हें कामुकता से शक्ति खो दी है, चैन नहीं मिलता है, तो चैन के लिए एक दो घूट लगी एक दफा दे दिया और वो उसने खूब नींद आई अच्छी तरह से हो गया, फिर और दे दिया, फिर ज़्यादा नशा का और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो नशा ज़्यादा वो करते हैं जो ज़्यादा जिनकी वेटिलिटी नहीं रहती है और बेचैनी फैल जाती है, बेचैनी। तो मेरे पास ऐसे आते हैं लड़के लड़की जवान जो बेचैनी का बेचैनी बहुत ज़्यादा है, तो मैं समझाता हूँ ये बात। तो ये जितना भी यहाँ पर जो काम हो रहा है मैंने आपको सब बता दिया कि अगर ये काम करे तो करो, फिर खूब ज़िंदगी को अच्छा बनाना, तो ये इसका नियम मिलते हैं इधर से। अब डॉक्टर कमला जी हर सत्र में कहती है कि जब तक तुम्हारी या दुनिया ठीक नहीं बढ़ेगी तो तुम लोग उधर आगे नहीं जा सकते, जब इधर की भूख रहेगी तो आगे कैसे जाओगे। ये तो उन आदमी करिए कुछ चाहे इच्छा कि मुझको चाह नहीं, चाह को चाह उठा दो, किसी तरह की इच्छा नहीं, सेटिस्फाई है और पता लग गया कि ये तो 84 के चक्कर से निकल नहीं सकता। तो चक्कर निकलने का क्या है वो बताते हैं कि नाव है केवल, तो नाव को क्या करो, नाव के साथ जाओ, चौथे पर मृत्य है ये सत्संग दे रहे हैं हमने, तो चौथे पर नाम जाने के लिए क्या चीज़ है, ये चीज़ है किन के लिए, जो सुधर जाना चाहते हैं, जो नहीं जाना चाहते वो नहीं, वो इधर की चीज़ें इच्छा करो, इधर की चीज़ मिल जाएगी और गलत नहीं है वो, जो आदमी इच्छा करता वो खेल खेल वा रहे हैं, आप खेले ही नहीं अब तक तो आपको नहीं अच्छे से, कोई लड़का शादी करता आपने शादी कर ली, शादी करने बाद देख लिया कोई मतलब बड़ी बात नहीं, शक्ति निकल जाती है, घर में खड़े हो जाती है, बच्चे बढ़ जाते हैं, तो आप प्रणाम हो गए और आप उस लड़के को कहोगे यार शादी कर क्या करेगा, दुखी हो जाएगा, तो आपकी बात मानेगा नहीं वो, वो जब तक इस काड़े में नहीं आएगा तब तो अनुभव नहीं होगा, तो मानेगा नहीं वो, वो शादी कर लेगा और फिर शादी पर फिर वो प्रणाम होगा। अच्छा ठीक, तो कबीर साहब कहते हैं नारी तो हम भी करी, शादी तो हम भी करी, नारी तो हम भी करी, जब चक्र विचार जब विचारी तब परी हरी, परी हरी का मतलब उस काम को छोड़ दिया, जो कामुकता भोगते हैं उसको छोड़ दिया गया, नारी तो हम भी करी जब तक नहीं किया विचार, जब विचारी ओ हो, तो इसका ये मतलब सही घर उजाड़ जो चले जाओ, ये बताया ये कामुकता से ख़राब है। तो जब भोग लेता आदमी तो छिपता लिया, कोई संत बात जो सच्ची बात बताता है और आप उत्तम अधिकारी तो आपके भोग में नहीं जाओगे, उसकी बात को सत्य मान दोगे, आपको एक्सपीरियंस नहीं करो, बोलो महाराज जी कहते बिल्कुल ठीक है मैं ऐसे करूँगा, ये उत्तम अधिकारी की बात जो पिछले जन्म के बहुत कुछ कर्म है उसके लिए समझ आ जाएगी इतनी बात से। बाकी आम आदमी जब तक भोग देता तो संत ये भोग उठाते नहीं, भोगो, पर वो गलत तरीके से भोग बता देते हैं कहीं, वो गलत तरीके से वो परेशानी होती है। कोई बात में सत्संग दे रहा था चलो मैं बताया कि तुम खूब स्वाद दो, खूब भोगो जिंदगी में, वो सो थोड़ी पड़ी ली थी उसकी, और खूब भोगो और फिर भोग में छिक जाओ ना उसके बाद उधर को आना, तो उनको ये पता नहीं है कि तू ये भोगे तो फिर बेचारी को नहीं करे, वो शक्ति खो जाएगी, ये नहीं बात उनका क्या जरूरत है तभी जाओ। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो कामुकता होता है किसी के संतान उत्पत्ति के लिए कामुकता और बाकी नहीं, और पर ये छोड़ देते हैं जो ब्रह्मचारी बन जाते हैं पूर्ण नहीं बनेंगे वो, क्यों धक्का नहीं खाया उन्होंने, अच्छा उत्तम प्रकृति के होते हैं शायद पिछले जन्म में भोग लिया और वो ब्रह्मचारी बन गए तो कोई बात उनको कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसका पता नहीं, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे निज धाम, तो हमको क्या पता कौन सा जन्म किसका है, आप समझेंगे कौन सा जन्म शायद पहले शुरू करा है तो उसको सब पहले दर्जे की बात करनी पड़ेगी, और जो दूसरा जन्म चलेगा तो दूसरा नाम की इच्छा करेगा वो, और नाम की समझ आ जाएगी करते करते तो फिर क्या करेगा वो पूंज जाएगा उधर, और पूंज जाएगा फिर उसको सत्संग करा दिया जाएगा, कब जीता जीवित मुक्त है, जीवित मुक्त रहे जब ये खत्म होगा तेरा कर्म लेना देना उस दिन तुम्हारा वापस नहीं आएगा, तो चौथम निर्धाम आपका हमको पता नहीं कि किसने कौन सा जन्म भेजा, समझेंगे नहीं बात। तो ये जितनी बातें थी मैंने मोटे तौर से आपको बता दी पहले सत्संग में कि आप मरकज आलम वो परमात्मा कहीं तो आपके अंदर है, अज्ञान के कारण दुखी आपने सभी मनुष्य मात्र सब दुनिया के जितने राष्ट्रपति हैं जितने चीनी जापानी बर्मी जितनी दुनिया के लोग हैं मनुष्य बच्चों, इसलिए पंडित फकीर जी ने अपने मंदिर का नाम राधा स्वामी नहीं दिया, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलता कोई बोल दिया तो राधा स्वामी बैठे हो ना राधा स्वामी तो राधा स्वामी कह देता हूँ, तो सोचता राधा स्वामी है तो मैं कोई राधा स्वामी बोल दिया होगा, वो जो आदमी आ रही है वो आया कबीरपंथी वो फूल की टोटल हो गया और वो बात करना चाहता बात इससे फिर मेरे से बात करी,
बड़े जी आपने ज्ञान तो कबीर का सारा लिख सब लिख आपने आपको बड़ा बताया है और ये बताया बड़े जी आप राधा स्वामी को भी कहते हो भी समझे राधा स्वामी है उसकी समझ थी ना तो सब फिर मेरे से वो तो नहीं साहब ये बात नहीं आप तो बड़ा बनना चाहते हैं वो आप मतलब बहुत ज़्यादा मैं भाई जो ईगो से ढाल कर दे मेरे को माफ़ कर दिया बूढ़ा आदमी वो लड़ना चाहता था वो झगड़ू बढ़ना चाहता था और डॉक्टर कमला दूर से बोली मैंने कर दी उन्हें इसे क्या बात करे हो वो तो सिमन आ रहा स्वाद बात अच्छे से बात कर रहा था उसका स्वाद दे रहा था वो कर रहा था तो ये उसकी कमी है तो ये आपको समझ आ जाएगी कि क्यों बोल रहे हैं माफ़ कर दो उसकी बात को सत्य मत समझो वो बंदा हुआ कोई चीज़ वो कबीरदास कबीर को मोल ले रखा कबीर का ज्ञान मेरे को है अब मैं कबीरपंथी हूँ और वो लिखा सब कबीर के बारे में तो किताब देखी तो कबीर का ज्ञान का बोले जी आपने जो कबीर को आगे करके सब ज्ञान तो आपने कबीर को कह के दिया है और उस आप कभी उसके नाम पर बड़ा होना चाहते हैं और ये बात ये नहीं है वो नहीं है मैं कबीरपंथी हूँ समझा कि बात तो उसकी गलती नहीं है उसको इतनी याद इतनी समझ आई है कि कबीरपंथ है कबीर पंथ है कबीर मन बड़ा बड़ा पंथ है जो रूट बहुत बड़ा तो कबीरपंथ क्या है कि उसको सब कर सकते हैं अनुभव सब कर सकते कौन सा है शब्द का उसका अरे प्रकाश का सनातनी है ना ये बहुत कड़ा है ब्रह्मचारी सत्य दिमाग खराब हो जाएगा ये हो जाएगा सिद्धि जबरदस्त है तो एक तो ये है सर फिर पंथ जो प्राचीन समय में अब कभी ने कहा भाई इससे ठीक है स्वर्ग लोग तो चले जाओगे कभी नहीं बात समझे आया कि स्वर्ग लोग तो चले जाओगे और बाकी आगे तो भी नहीं जाओगे तो प्रकाश के जो भी साधक हैं सब हो जाएगा जो प्रकाश जो लोक है इस लोक का है तो साधन करते करते आप इधर से जब जाओगे तो उसमें चले जाओगे सतलोक सतलोक में क्या है सदा आनंद ध्यान एक किताब है उसमें लिखी है ज्ञान सागर में एक शब्द दे रखा है रत्ना भेद उसके अंदर राधा स्वामी बताया गया ऐसे कैसे स्वामी जी ने बताया ये सालिग्राम जी लिखा है ना उसने बताया कि कहाँ से चले हैं और कैसे अगम से ता से पहले आके अगम लोग अगम पुरुष आ गया किसका पुरुष आ गया बस समझ जाइए वो खुद से समझ जाइए और फिर बोले अरख पर आ गया आ गया अरख से बोलता सतलोक में आ गया सतलोक जो लोक सुहेला और सत 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 जहाँ हो ऐसे ऐसे लगा के नीचे तक बयान कर रखे तो मेरी बात आप समझिएगा नहीं कि जो जहाँ करे जो जिसकी योग्य है तब वैसे करेगा देखा दिखाई करते देखा दिखाई दे सकते तो आपने अपनी हालत बनानी है ठीक है और जो जिस परिवार से नियर डियर हैं उनसे भागना नहीं है अभी रू नहीं तोड़ दिए हाँ बताए बाजो मत उनके बोले लेने के लिए आया आजकल भाई नहीं आता फलाना दोस्त ले आजकल आता है तो सभी लोग उसका लेने देने साथ चूक गया होगा और रो रो होता आ जाएगा मतलब शिवाय और कोई बात नहीं बताते रखिए साई संसार में मतलब का व्यवहार है जब बोले पैसा गांठ में तब लगता का यार यार संग संग डोले पैसा रहा ने पास यार मुख से नहीं बोले क्या दुनिया मतलब की पत्नी है कोई भी भाई है बंधु है सब लेने देने के चक्कर में और ये ज्ञान गुरु से हो जाए तो फिर वो कहता भाग मित्र उड़े रहे यहाँ पर तो पत्नी से पटने का क्या तरीका है बाकी तुम ये करते हो ये करते हो ये करते हो बोले मैंने इतने ज्ञान थोड़ा ही ये बात समझाओगे ये लड़ने के लिए आए को पिछले जन्म इसकी बेइज्जती करिए बेइज्जती करना आइए तो आप बोले मैं तो आओ तो आज कल छोटा मोटे दिन काट लो उसके साथ अर्ज सुनो और कोई चारा नहीं है वो जो चुका दो उसका जो कर्जा दे रखा है वो चुका दो पहले जन्म आप उसको बेइज्जती करिए वो बेइज्जती करेगी आपकी तो दुखी में चिड़ो मतना चिड़े है ना आदमी तो चिड़ो मतना बिल्कुल चिड़ को खो दो आप गुस्सा करूँ ही नहीं अरे चिड़ खो गई वो पाँच सात बात कह देता है अरे भाई एक दो और कह दो अगर आपका जी सुर हो जाए तो अब क्या बोलेगा आगे समझे नहीं बात तो मैंने आपको बताया कि आपका सुधार ही सब कुछ है आप अपना आपको सुधार लो सब ठीक हो और कैसे सुधरोगे ज्ञान लो सत्संग में जीता अनुभवी जो महापुरुष है वो बात बोलेगा जो आपकी तकलीफ तो मैं भी आप तक सीमित हूँ जन्म सत्संग नहीं दे रहा हूँ आपके लिए जो सत्संग दे रहा हूँ वो आपके लिए दे रहा हूँ कि आप जो दर्जे का ऊँचे सब आदमी हैं आप लोग काम करोगे ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम करने वाले आदमी हो अब कितना करोगे जो आप ऐसे शुरू करोगे तो ये काम करने से आपका कल्याण हो जाएगा ये मैं समझो सत्यों कल्याण करता हूँ लेकिन साफ मन लेके जाओ उनसे को गर्द लेके मत जाओ ये इच्छा मत रखो ये कर दे ये कर दे ये कर और फिर को करता तो ठीक फिर को खुशी से करता है आप तो जरूरत तो नहीं थी वो फिर करता तो समझ लो इसका कोई देने देने का चक्कर है राजी लाया मैं तो इच्छा करी नहीं तो किसी से ये चाह मतलब चाह करोगा चाह डिजायर रखोगे ये मेरा ये करे तो वो क्या करेगा जो होगा हो जाएगा आपका
जो सत्य में साक्षात होगे वो मामला। तो ये आपका जो घरेलू सत्संग है, जो चाय का सत्संग दिया है, ये नॉर्मल जो बैठे हो आप लोगों के लिए दिया, वो सबके लिए नहीं दिया। जब मैं स्टेज पर जाता हूँ लोग बैठे हैं, अब काल सत्संग और था, सब सेठ साहूकार बैठे थे, खाते पीते, कोठी बड़े हुए थे, खाते पीते कोई दिक्कत नहीं थी। तो उनके जो आवाज़ बातचीत समझ नहीं आ रही थी, जो बात कर रहे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो पर्दा पड़ा हुआ है, चाह नहीं, वो इच्छा लेके नहीं आई थी, क्योंकि वो कथा सुनते हैं, कथा की बात योग की कदम सुनी नहीं। हर में बताया कि जमाना बदल गया, आज का ज्ञान दे रहा हूँ आपको, कलयुग का ज्ञान दे रहा हूँ, और उसमें लोग सब कथा सत्य की भी चर्चा करते हैं, ये करते हैं, वो सब सब लोगों को साथ लेते हैं, मतलब सारी पूछ जो नहीं जरूरत थी उसको सागे रहते हैं। और मैं आज के आदमी को ज्ञान देता हूँ, आज के आदमी को क्या दुख है, कारण क्या है, इलाज क्या है, आई समझ। तो अब मैं सब वो नहीं दे सकता सत्संग, जो काफ़ी लोगों को सामने देता हूँ, वो नहीं देता इधर, क्योंकि आप जिस दर्जे के हो, मैंने आपको घरेलू सत्संग दिया है, ऊँचे दर्जे का दिया। ये सत्संग क्यों दिया है, क्योंकि आप अधिकारी, क्योंकि आपने काम करना है, तो आप फिर अपना आपको करो, कोशिश करो, अरे जाए तो ठीक है, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए बस। आप सम्मान करो उनका, जिनको सत्संग देते हो आप सम्मान करो, वो नहीं करे कोई बात नहीं, आप सम्मान करोगे तो आपको सम्मान मिल जाएगा। यानी गिव टेक का सिद्धांत ये साथ से जोड़ ले लो। तो आपके लिए जो सत्संग, ये चाय का सत्संग है, ये गुरुओं के लिए सत्संग है, जो ज्ञान देने वाले उनके लिए है कि आप ऐसा करो, इसलिए ये बात करता हूँ। अब ये बात वहाँ नहीं कही जाती, क्यों, कि वो लोग दूसरी चीज़ से दुखी हैं, तो मेरे मुँह से वो बात निकलती है जिससे दुखी, कारण बताता हूँ, ये है इसका इलाज, ये है इसका इलाज, ये मुझे पता नहीं किसको तकलीफ है। तो कहीं कहते मुझे सत्संग देखे, मैं क्या जादू मारता हूँ, मैं कहता भाई मेरे सत्संग देने पर प्रसन्न नहीं रहेगा, अरे परचम पर ही दिख के भेज देता हूँ, तो कोई आएगा बुद्धिमान को मैं पूछूँगा ये चीज़, ये पूछूँगा क्या पूछूँगा, मैं बोलता हूँ भाई कोई चीज़ पूछ लो, ज्ञान की, ध्यान की, योग की, कोई बात पूछ लो। तो वो मैं भी फसारी हो गया, कहा जाओ भेज दो गाड़े लड्डे सब लगा दो, क्योंकि मेरे को भेद का पता लग गया बात का, इसे मेरे मुँह से कही जाती है, समझिए। और आप रोज़ देखते हो सत्संग कि जाता हूँ, जो सत्संग सुन लेगा वो तो करेगा नहीं, और बाकी एक आदमी सत्संग सुने अभी मैम में, और कबीरपंथी है और समुद्र व्यासी बताता है आपने आपको, और वो प्रश्न देखा तो मुझे गया कि इसने बात कबीर की लिखी है, सबका सब। तो बोले साहब आपने कबीर को आगे रख करके बहुत बड़े बनते हो, आप बड़े बड़े हो, और आपने बात ये करते हो और ये करते हो, ये करते हो, राधा स्वामी कह दिया ना कोई, राधा स्वामी सब उसमें वो चिड़ गया। और वो मेरे दिया कहते आदमी बैठे, वो कल ज़्यादा राधा स्वामी थे, उन डेरे के थे, तो मैं सबको फिर अच्छा भाई राधा स्वामी, और ये समाज गया तो वो दिया भाई ओम राम सबसे बड़ा उससे बड़ा कोई। ये कोई आदमी था जो जा रहा था, ज्ञानी आदमी था, तो आगे जाता था, एक तो पंडित था, एक गांव का चौधरी खड़ा हुआ था वहाँ पर, और एक मुसलमान खड़ा था, चार आदमी थे, एक स्वामी जी था। तो सोचा चौधरी राम राम कर लेगा तो ये नाराज़ होगी, और मियाँ को सलाम कर लेगा तो ये नाराज़ होगी। तो उसने क्या काम किया, देख लिया चारों को देख के बोला राम राम चौधरी, सलाम मियाँ जी, पाया लागू पांड्या, और डंडोत करी डंडोत स्वामी जी, चारों को राजी कर दिया, समझे कि नहीं बात। तो जैसे चार भी देखता वैसे काम कर रहे हो, सत्संग संगत बैठी है उसके अनुसार आप अगर सत्य बन से गए हो चाहिए वो सत्संग दोगे, आप पुरानी बार पेटी करोगे। और बाकी जैसे वो आपको क्या बताया था उसे कि आपको पहले ये टेस्ट कराया कितना दे सकते हो ज्ञान, तो आपने बोला, और आपने अब ये ऐसी छेड़ी से बोला उसने ने कि जो मैं कहता हूँ वही बात आपसे बोल दी, मैं कहता तो सबको जानते हैं तो क्या शिक्षा दे रही हो, तो तुम ये सब पहली बोल देंगे तो बोलेगा क्या, फिर क्या बोलेगा तू, तो बोले भाई थोड़ा बोलना आप ऐसे करना, स्टाप लगा देना, इसके बाद मैं कर लेना, समझा कि नहीं बात। तो ये बात मैं साफ बताता हूँ, कोई वो क्रूफ तो हो नहीं रहा, फिर नहीं जो मैं बोलना वो तो सब आप बता देते हो, पहले बता देते हो तो रिपीट करूँगा मैं, तो मेरे भाई बोलना मुझे ताकि रिकॉर्ड करा दूँ, समझे कि नहीं बात। तो आज का सत्संग है ये घरेलू सत्संग, कि सत्संग है क्या, किस लिए है, किसके लिए है, वो वैसी बात है। और जो ये जो चीज़ है मैंने बताई अक्सर आदमी के लिए है, ये जो वापस जाना है सदा के लिए अमर होने वाली बात जो बताती है ना कमला कहती है सब बता दे, तो खास कोई एक कोटन में कोई जगह जाना नहीं चाहिए, तो इसकी इच्छा रखता है वो फिर तलाश करेगा, और वो सोचता मैं अभी अनुभव कर लूँ, और बाकी बाबा की तरह चले जाता है अधिकारी नहीं, उनको स्वाद आ रहा दुनिया खेल में। तो मैं कहता हूँ बताऊँगा दुनिया खेल खूब खेलो, खूब इच्छा करो, खूब गाड़ी घोड़ा मकान दुकान थक थक जाओ,
खूब धन कमाओ कल सेठा खूब धन कमाओ अरबापति बनो और ज़्यादा बढ़ो दुनिया में सूर्य फलाना सब मालदार और फिर बाद में करना। अब उनको ये थोड़ी कहते कोई संबंध कमाओ अगर पैसे को इष्ट है लक्ष्मी को इष्ट है तो वो बात बता दी समझिए ना बात भाई भूख जो खत्म हो गई तब जाके संतुष्ट हो गया। तो जो आदमी जो काम करना है उसको करने दो और आपका काम है देखना और ये मैं समझो किसी का बेड़ा पार आपका बेड़ा पार हो जाएगा आपका यह ज्ञान देने से जो मैं बता रहा हूँ देने से आपका बेड़ा पार होगा उनका मैंने पता नहीं होगा कि नहीं होगा क्योंकि आपका मन साफ हो जाएगा आपको नया नया अनुभव होगा। कोई कहेगा आप आए मेरे ये कर दिया आप कितनी बात तो ठीक है मैं भी नहीं गया तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेना सच्चाई बतानी है क्योंकि अपनापन सच्चाई का मानव धर्म है रिजल्ट तो सच्चाई बतानी है आपने और सच्चाई बताने के लिए कोई आश्रम में जगह नहीं देगा आपको आश्रम वाला बता देगा कौन जाएगा फिर उधर। अब मैं बता दी नहीं कि वो मेरी बात तो तुम सब बता दी मैं टेस्ट कर रहा था अब मैं कह रहा तो बात तो सब बता दी ने अब तू क्या बताएगा तो मेरा बस भाई तू मेरे को से पूरा इतना बोल दिया कर आगे समझ बात तू तो करता तू भैया मुझमें रही हूँ हुआरी तेरा नाम जी देखूँ तो आप उसकी तलाश करने के लिए मानव है मनुष्य उनको दूसरों को गिव एंड टेक कैसे दोगा मिल जाएगा बीज खेत में बाओगे वो होगा सत्य होकर ये काम करते थे हम ये किताब जो तेरे को भेजी है ये खास आदमी को देने के लिए जो उस पर कन्विंस करे कि धर्म के बारे में सीधी सीधी बदे क्या धर्म के बारे में कुछ जानना चाहते हो क्या मेरे पास एक आदमी आता है उसके लिए बहुत ऊँचा मैं जाता हूँ या जीता है अपनी तरह गृहस्थी है मुक्त है अच्छा ऐसा है हाँ तो फिर वो ये तैयार करने वाले बोले पढ़ो पढ़ते नहीं लोग ऐसे देखे ऐसे रख देते हैं पढ़ो समझा वो दोबारा पढ़िया तो इसका मतलब तू तो समझ गया उसको पढ़ा रहा है कि पढ़े तो नहीं वो पढ़े क्यों नहीं वो ये वीतराग है ये धर्म निरपेक्ष वो पंथ निरपेक्ष है नहीं तो किसी पंथ का हूँ नहीं किसी धर्म का हूँ सारे धर्म मनुष्य का है तो सब मनुष्य का धर्म है पंडित फकीर से इसे नाम लिखा इसका मित्रा दशा में रखते वो उन्होंने रखा मानव धर्म रेडियन ऑफ ह्यूमिनिटी मजबूत इंसानियत सब इंसानों को एक चीज़ है ये पंथ आपका है ये बाकी पंथ जो है जी बोलो ठीक है बहुत अच्छा आपका गुरु वो मेरा गुरु है उसका काट मत करो और आप मानते हो आपकी मान्यता आपके लिए है वो सबके लिए नहीं है राम को मानते आपके लिए मोहम्मद को मानते बहुत अच्छा आपके लिए ठीक आदर है सबके लिए नहीं है ये तो आपकी मान्यता और यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है यूनिवर्सल ट्रुथ है वो कहीं कोई छू सकती आप में वो यूनिवर्सल ट्रुथ आप में है सकती किसी गुरु पीर दूसरे में नहीं है बात ये समझिए काफ़ी होगा ये की ज्ञान हो गया ना तो मैंने ये दादी देते हैं सत्संग देव जो रोज की चाय गए वो जो सत्संग आपके लिए दे जाते हैं आप समझो उस बात को आप समझोगे तो पता नहीं कितने लोगों को फ़ायदा हो जाए काफ़ी अच्छा।